हेलो फ्रेंड्स, सेंगविन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपको फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास टेंथ का प्रोज का फर्स्ट लेटर, अ लेटर टू गॉड। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। ये चैप्टर यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ आप लोग वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो पहाड़ी के निचली सतह पर यानी घाटी में स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, पके हुए फसलों को और उन पर लदे हुए फूलों को कोई भी देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का संकेत देते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पुअर आर एट लीस्ट अ सावर, पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी हल्की फुल्की फवारों या बरसात की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, एक सुबह लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, हैज़ डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने उस दिन उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन, वो अपनी औरत से कहता है अब हमें कुछ पानी की आवश्यकता है। द ओमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब उसकी औरत जो थी वो शाम के टाइम का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉय, उसका बड़ा लड़का, वर वर्किंग इन द फील्ड, जो खेत में काम कर रहा था, वाइल द स्मॉलर वन, जबकि दूसरा जो छोटा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम, वह घर के पीछे खेल रहा था अंटिल द वोमेन कॉल्ड देम आल, तब महिला जो है सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर मीन्स रात्रि के भोजन के लिए आओ। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, यह दौरान था, द मील टाइम मील दैट, मतलब भोजन के दौरान ही, जस्ट लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है अनुमान लगाना, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन क्लाउड, उत्तर पूर्व की तरफ से, ह्यूग माउंटेन, बड़े पहाड़ जैसे, क्लाउड मीन्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए नजर आ रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए प्रतीत होना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है वो फ्रेश और स्वीट बह रही थी, तरोताज़ा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया यानी लिंचो बाहर गया, नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर के ऊपर उस बरसात के आनंद लेने को। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो गिर रही हैं बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइन, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बड़ी बूंदे 10 के सिक्के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्टि का भाव लिए हुए, ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स निहार रहा था, द फील्ड मीन्स अपने खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, पके हुए फसलों पर और उनके फूलों को, मीन्स वह अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए हुए, पके हुए फसलों, उन पर लगे हुए फूलों और अपनी फसलों को निहार रहा था। ड्रॉप इन अ सर्टन ऑफ रेन, ड्रॉप इन अ सर्टन ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें एक निश्चित तौर से गिर रही थी, बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज तूफान आया, मीन्स हवा जो है तेज हो गई, एंड लॉन्ग विथ द रैन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन द फॉल,
और तेज बरसात के साथ ओले गिरने लगे। हिल स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर या ओले। दियर ट्रूली डेड रिजम्बल न्यू सिल्वर क्वाइन, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि ये नए चांदी के सिक्के हों। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन, बच्चे उसे चुनने के लिए या लेने के लिए बरसात में यानी भीगते भीगने के लिए चले गए। रैन आउट द कलेक्ट फॉर द फॉरेन पीयर्स, वह बरसात में जाकर उस मोती को कलेक्ट करने लगे। मीन्स यहाँ पर जो है उस बर्फ़ के टुकड़े को या ओले को कंपेयर किया गया है किससे, पीयर यानी मोती से। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द गुजरा नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, लगभग घंटों तक घर के ऊपर बरसात होती रही। द गार्डन मीन्स गार्डन में भी, द हिल साइड पहाड़ी के साइड भी, द कॉर्न फील्ड फसलों पर, खेतों में, ऑन द होल वैली, यहाँ तक कि पूरे संपूर्ण घाटी में। मीन्स घंटों तक गार्डन में, घर के ऊपर, हिल साइड और पूरी घाटी में ऐसा ही चलता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए। इफ द एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से ढक चुके हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, रिमेंड मीन्स बचा हुआ, मतलब पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों पर से, सॉरी प्लांट्स यानी पौधों से पूरी तरीके से फूल भी जा चुके थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लंचो का मन यानी उसकी आत्मा पूरी तरीके से दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जैसे ही हवा गुजरा या स्टॉर्म गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहा। एप प्लेग्यू ऑफ लोकटस, प्लेग्यू ऑफ लोकटस मीन्स होता है टिड्डियों का दल, जो देखते हैं ना हम लोग मक्के के सीजन में बाजड़े वगैरह पे बैठ के, ग्रॉस हॉपर नहीं होता उसको बोलते हैं। मीन्स टिड्डियों का एक दल वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, इससे भी कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने या चक्रवात ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, मीन्स सभी के लिए पूरी रात बहुत ही दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन घाटी के बीचों बीच रहने वाले सभी घरों के लोगों के हृदय में बस एक ही चीज़ थी। दियर वॉज अ सिंगल होप, वह एकमात्र आशा थी किस चीज़ की, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद थी। मीन्स भगवान उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दाओ दिस सीम्ड लाइक अ टोटल लॉस, भले ही पूरी तरीके से नुकसान हो गया है, रिमेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। दैट इज वाट दे से, ऐसा कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के लिए। हूज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सबका निरीक्षण कर लेती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज डीप इन द वंस कॉन्सेंस, मीन्स भले ही वह अंतः मन में यानी अंतः आत्मा में क्यों ना हो,
लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स होता है बैल की तरह काम करने वाला, या तो कह सकते हो बहुत परिश्रमी। लिंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड मीन्स खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे ब्रेक मीन्स दिन के दौरान। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, एक पत्र जो वह खुद जाके कस्बे तक ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में खुद ही डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं बल्कि भगवान का एक, भगवान के लिए एक पत्र था। मतलब अब वह भगवान को एक पत्र लिखता है और उसको ले जाके खुद क्या करेगा, वो मेल करेगा, यानी पोस्ट ऑफिस में उसको प्लेस्ड करेगा। गॉड भगवान, ही रॉट, वह लिखता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे। माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा पूरा परिवार। आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पोसेस, मुझे 100 पोसेस की आवश्यकता है। इन द ऑर्डर सो द माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः तैयार करने के लिए। एंड टू लीव एंटिल द क्रॉप कम, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि ओलों ने सब कुछ, अब आगे ऐसे डॉट डॉट किया है, मतलब जो जो चीज़ें उसके साथ घटी थी उसका वर्णन है। ही रॉट, वह लिखता है टू गॉड, गॉड को। एंड इनवलप, और उसको इनवलप लिफाफे में डालता है। पुट द लेटर इनसाइड द स्टील ट्रबल्ड विंड टू डाउन टू टाउन, और लिफाफे को अंदर रख कर वह कस्बे की तरफ चला जाता है, या चला गया, वेंट है। हाँ, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, वह लेटर पर स्टाम्प लगाया यानी मुहर लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसमें से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के कामों में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने बॉस के पास बहुत ही तेजी से हंसते हुए वह गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन, अपने पूरे पोस्टमैन की कैरियर में, हैड ही नोन एट एड्रेस दैट एड्रेस, मीन्स उसने ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमीबल फेलो, बहुत ही अच्छा और मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अपनी हंसी को छोड़कर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह अचानक ही सीरियस हो गया। एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने लेटर को थपथपाते हुए डेस्क पर कमेंटेड बोलता है, कमेंट करता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ दीज मैन, हम लोग इस आदमी के विश्वास को बचाएं या रखें। हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप द करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, लिखने के लिए या उसके विश्वास को रखने के लिए भगवान में। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। एंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट दैट द एंसर इट नीडेड समथिंग मोर दैट गुडविल, तो वहाँ पे उसे कुछ चीज़ों की और आवश्यकता थी, एक अच्छे विचार के अलावा, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर के अलावा। बट द स्टक टू द रिसोल्यूशन, लेकिन उसको इसका भी उपाय मिल गया। ही आस्क फॉर द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि वह अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसे दें। एंड सेवन सॉरी
एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग, और सभी ने, इसके सभी मित्र जो थे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया या कुछ ना कुछ दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ दिस चैरिटी, मीन्स इस चैरिटी में। अब पोस्टमास्टर क्या करता है, इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम, मीन्स यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पोसेस, एक साथ 100 पोसेस को, मतलब जो पोस्टमास्टर था उसके लिए यह असंभव हो गया था कि वह एक साथ 100 पोसेस को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से अधिक ही भेजने के योग्य था या उसको उतना ही भेज सकता था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस, उसने पैसे को दिए गए स्थान पर इन्वेलप किया, लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गार्ड, मीन्स उसने लेंचो के एड्रेस पे उसको इन्वेलप किया और उस पर बस मात्र एक ही अक्षर लिखा या एक ही चीज़ का सिग्नेचर था, वो क्या था, गॉड का यानी ईश्वर का। द फॉलोइंग संडे, मीन्स अगले जो आने वाला रविवार था, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन द यूजुअल, लेंचो समय से पहले ही आ गया, टू आस्क या पूछने, इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसे खुद ही अपने हाथ से उस पत्र को दिया, टू हिम वाइट ऑफ वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हीज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उसने इस तरीके से बिहेव किया कि जैसे कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, मीन्स अपने ऑफिस की तरफ देखते हुए। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग देन मनी, लंचो को उस पैसे को पाकर जड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में क्या विश्वास था, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, वेन ही काउंटेड, जब उसने गिना द मनी मीन्स पैसे को, गॉड कुड नॉट हैव अ मेड मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड हैव द डिंट सॉरी डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही इस चीज़ का नज़रअंदाज कर सकते हैं जो लेंचो ने प्रार्थना किया था या जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली मीन्स अचानक, लेंचो गया अप टू द विंडो मीन्स विंडो के पास, टू आस्क मीन्स पूछा, फॉर द पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए, मतलब वो बहुत ही गुस्से में अचानक से कहाँ जाता है, विंडो के पास, वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया, विच मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भवों को यानी आँख के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको भव कहते हैं, व्रिंकलिंग में सिकोड़ते हुए, कॉजेज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मीन्स जैसे जैसे उसके दिमाग में विचार आ रहे थे वैसे वैसे अपने चेहरे को बना रहा था। वेन ही फिनिश, जब उसने पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, टू बाई स्टाम्प खरीदने, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्ट टू द इन्वेलप, जिसको उसने अपने थूक से ही चिपका दिया और इन्वेलप में डाल दिया, विथ अ बिलो हिज फिस्ट, अपने थूक से ही उसको लगाकर उसमें क्या किया, इन्वेलप में डाल दिया। द मोमेंट द लेटर टू फेल इंटू मेल बॉक्स, मतलब मेल बॉक्स में लेटर गिरने के क्षण भर बाद ही द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, इट साइड, उसमें कहा गया था, गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे कहे थे, ओनली 17 पोसेस रीच्ड मी, केवल 70 पोसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी देन रेस्ट, मुझे कृपया बाकी का दे दीजिए, सिंस आई नीड इज वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो है बेईमानों का एक समूह है,
उसमें लास्ट में लिखा गया था लेंचो। स्टूडेंट आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा था इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी वर्ड को यूज़ करना पड़ा, नहीं तो ये और भी लंबा हो जाता। आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा और मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी हो सकेगा तो आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, और कृपया कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने जैसे अभी तक हमारे सभी पिछले वीडियो को सपोर्ट किया और उस पर काफ़ी अच्छे हमको रिस्पांस मिले, इसलिए मैं और भी आपके सामने वीडियोस लेकर आता रहूं, इसलिए प्लीज़ हेल्प मी।